हम इसको हैंग करेंगे और इस तरह से बस गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है। तो आज इस व्लॉग में आपको कंप्लीट गांव की ज़िंदगी मिलेगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करते हैं तो दिल करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं आपके लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगें, कि काश आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे वॉशरूम किस तरह से होते हैं, रहन सहन किस तरह से है, बकरियाँ कहाँ पे हम बांधते हैं, भैंस बकरियाँ हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए हम आ गए हैं उस एरिया में, पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने बकरियाँ बांधी हुई हैं और जो हमारी भैंसें हैं ना, भैंसें वो चारा करने गई हैं ना, घास फूस खाने गई हैं। और ये देखिए हमारे वॉशरूम्स किस तरह से हैं। मैं अपना दरवाज़ा खोल रही हूँ वॉशरूम का और आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए नलका लगा हुआ है, अब बंदा यहाँ पे नहाना चाहे, कपड़े धोने चाहे, बर्तन धोने चाहे या अपने बिस्तर धोने चाहे तो हम यहीं पे आते हैं। आपको अच्छी लग रही है ना ये ज़िंदगी, बस क्या करें हमारे पास तो नहीं है, मतलब ना गाँव में इतनी सहूलत, तो ये मुश्किलात हमें होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर किसी का अपना नसीब होता है। तो ये देख सकते हैं ये है वो वॉशरूम हमारे पास, ड्रेनेज का या टंकी का नल का कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ से पानी नलके से भर के हम वॉशरूम जाते हैं। तो व्यूवर्स आप सुनाएं कि आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह से है, और ये गांव की ज़िंदगी ना कुछ इसी तरह से होती है। पता नहीं आपको पसंद आ भी रही है नहीं आ रही है। मैंने कैमरा एक जगह पर रखा हुआ है और मैं जा रही हूँ आप भैंस बकरियाँ गिनने जा रही हूँ कि कितनी वापस आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। चार तो आ गई हैं और पीछे मतलब चार होंगी, और मतलब ना गायें वगैरह भी बाहर ही है। और व्यूवर्स हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है बारिश की वजह से, वैसे तो हर किसी के पास नुकसान हुआ है लेकिन हमारे पास हमारा पूरा गांव डूब गया है ना, मतलब कोई चीज़ नहीं बची है। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, सबके घर गिर गए हैं, सारे लोग ऐसे ना घर से दर बदर हो गए हैं, बस क्या करें। अल्लाह पाक हर किसी पर रहम फरमाए, हम पे भी रहम फरमाए। तो व्यूवर्स ये है हमारे गांव की ज़िंदगी, पीछे देखें हमने चारपाइयाँ निकाल ली हैं, हमने रात का सेटअप भी कर लिया है मतलब सोने का, तो इसी तरह से हम सोते हैं बाहर मच्छरदानियाँ लगा के, ताकि मच्छरों से भी बचा जाए और हम अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएं। ये देखें ये है हमारे पास मटका, ये सर्दी हो गर्मी हो पानी ठंडा रखता है। बर्फ़ तो हर कोई बंदा नहीं ले सकता ना, इतनी महंगी हो गई है, कितनी बर्फ़ रोज़ लेंगे। और ये देखें बाहर चारपाइयाँ हमने रखी हुई हैं, पीछे आप घर देख सकते हैं सारे डैमेज हो गए हैं, पीछे भी सामान देखें किसे बिखरा पड़ा हुआ है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं सिवाय दुआ के। और मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मियाँ जी को बोलती हूँ कि वो आएँ तो मेडिसिन लेते आएँ, मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ पर नहीं लेके आई हूँ गाँव में। पीछे देख सकते हैं हम वॉशिंग मशीन कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर हमें इतनी ताकत दे, इतनी हैसियत दे, ताकि हम अपना घर फिर से नई सिरे से स्टार्ट कर सकें। व्यूवर्स अभी देखें मैंने मैगी बनाई हुई है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी मियाँ जी के लिए, और एक चम्मच में अपने लिए भी लेके आई हूँ, दिल करेगा तो खाऊंगी वरना नहीं, क्योंकि अभी हमने पुलाव भी खाया था तो इतनी ज़्यादा पेट में जगह तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखती हूँ, दिल तो कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटी है। और यहाँ पर देखें हम यूट्यूब का काम कर रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और देखें मैंने स्पेशल यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए माइक भी लिया हुआ है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए, ताकि आप मेरी आवाज़ को क्लियर सुन सकें। तो देखें जब मैं इतनी कोशिशें आपके लिए कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना मेरी हेल्प करें। ये देखें अभी भी मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और देखें कितना टाइम ले रहा है, रात के 11:15 बज रहे हैं, लेकिन आपकी सुई यूनिस आपके लिए ही काम कर रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और देख सकते हैं आप कि हमारे गांव की ज़िंदगी किस तरह से, और मियाँ जी दोनों ही चम्मच से खुद ब खुद खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मियाँ जी एक चम्मच मुझे दो, नहीं आप खाएंगे, दोनों चम्मच से मियाँ जी ही खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, अब क्या करें। चले मियाँ जी खाए, इन्होंने खाया तो मतलब मैंने खाया। और ये देखें सचल सरमस्त पे गया था भाई, तो वहाँ से लेके आया है मिठाई, मतलब ये तो हमने ख़त्म कर दी है, बहुत ज़्यादा खाई हमने। और यहाँ पे भी देख सकते हैं मिठाई और शोपीस वगैरह भी हम लेके आए थे ना, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है ज़्यादा बड़ी वीडियोस करने का। तो ये देखें अभी मियाँ जी मुझे चम्मच दे रहे हैं, चलें थोड़ा सा टेस्ट कर लें। मियाँ जी अच्छी लगी? ज़बरदस्त। मियाँ जी बोल रहे हैं कि ज़बरदस्त।
हाँ बहुत अच्छी बनी है। मियाँ जी के लिए मैंने बनाई है स्पेशल, और देख सकते हैं आप रात के कितने बज रहे हैं ना, 11:15 बज रहे हैं, और मैं आग पे पका के आई हूँ मियाँ जी के लिए। व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।